हेलो एवरीवन, आज हम कागवाड़ गांव में हैं। ब्रह्मनाथ टेंपल आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दिस कागवाड़ इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स फ्रॉम चिकोड़ी। तो दिस इज़ अराउंड 1000 ईयर ओल्ड जैन टेंपल। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रिगार्डिंग दिस टेंपल। लेट्स एक्सप्लोर इट वन बाय वन। अगर आप इसको बाहर से देखोगे इस टेंपल को, इट लुक्स लाइक अ मस्जिद। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा ये मंदिर या जैन बस्ती हो। देर इज़ नो गोपुरा, यू कैन सी। ये ऐसा इसलिए किया गया था जब खिलजी अटैक कर रहा था, तो प्रोटेक्शन के लिए इसको इस तरह बना के मूर्तियों का प्रोटेक्शन किया हुआ है। इसलिए थोड़े मूर्ति अंदर बच गए अटैक से फ्रॉम इस्लामिक इन्वेडर्स। जैसे मैं बोल रहा था, यू कैन सी देर आर नो गोपुरास बिल्ट ओवर दिस टेंपल। ये ब्रह्मा देवर या ब्रह्मनाथ बोलते हैं। इस टेंपल का नाम इसी भगवान के नाम से रखा हुआ है। और यहाँ पे आप एक प्रतिमा देख सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय किया हुआ है अटैकर्स ने। वो एक्चुअली पूरा अखंड मूर्ति था, बाद में उसको डिस्ट्रॉय करके नाउ ओनली वी कैन सी द अपर पार्ट ऑफ द स्टैचू। और यहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस आप देख सकते हो। दिस सीम्स टू बी रिटन इन देवनागरी। वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन ओवर हियर। आप जो देख रहे हो अभी, ये धर्मेंद्र और पद्मावती देव देवता है। ये एक्चुअली 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ के यक्षिणी है। यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो चतुर्मुख मूर्ति है, ये बोलते हैं दिस इज़ ऑल्सो अराउंड 1000 ईयर ओल्ड। और भी सारे यहाँ पे तीर्थंकर की मूर्तियाँ आप देख सकते हो। ये सब प्राचीन ही है। According to some books, this temple is built around 10th century. ये painting का work recently किया हुआ है। This temple went through a renovation recently. आप सोच रहे होंगे यक्षिणी तो यहाँ पे है, लेकिन तीर्थंकर की प्रतिमा कहाँ पे है? तो चलिए तीर्थंकर के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये पहला सुरंग मार्ग है। एक छोटा सा विंडो की तरह बनाया हुआ है। इसको इतना छोटा इसलिए रखा गया था, अगर कोई अटैकर यहाँ तक पहुँच भी गया तो उनको ये पता ना चले कि अंदर भी बेसमेंट से जहाँ पे मूर्तियाँ सुरक्षित है। सिर्फ एक आदमी एट अ टाइम जा सकता है इस सुरंग मार्ग से। अराउंड 8 feet अंदर या नीचे हम जा रहे हैं टू रीच द फर्स्ट बेसमेंट। बोला जाता है 12th सेंचुरी के आसपास अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था मल्ली काफूर, ही वॉज सो रूथलेस, वो हर मंदिर को तोड़ने में लगा हुआ था। इनसे इन प्रतिमाओं को बचाने के लिए ऐसे गुंपाओं को बनाया जाता था। अभी आप देख रहे हो पार्श्वनाथ तीर्थंकर के अराउंड 3 feet हाइट का मूर्ति।
ये कायोत्सर्ग में है, इसके ठीक ऊपर यक्ष यक्षिणी विराजमान है जो हमने पहले देखा हुआ है। और यहाँ पे दो मार्बल आइडल्स भी हैं पार्श्वनाथ तीर्थंकर के, दिस टू मार्बल आइडल्स आर इन पद्मासना। अभी हम फर्स्ट बेसमेंट पे हैं एंड देर इज वन मोर बेसमेंट इन दिस टेम्पल, सो लेट्स गो टू द सेकेंड बेसमेंट। अभी हम फर्स्ट बेसमेंट पे हैं, सो लेट्स गो टू द सेकेंड बेसमेंट। फिर से आप देख सकते हो छोटा सा सुरंग मार्ग है यहाँ पे, वी नीड टू गो थ्रू दिस सुरंग मार्ग अगेन टू रीच द सेकेंड बेसमेंट। तो ये अराउंड 8 feet अंदर है अगेन, सो टोटली अराउंड 30 feet अंडरग्राउंड है ये टेम्पल। यहाँ पे आप शांतिनाथ तीर्थंकर की प्रतिमा देख सकते हो, दिस इज अराउंड 3 feet हाइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइडल यू विल एवर सी। अभी हम 30 feet नीचे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखा हुआ है ताकि हवा अंदर आ सके। इस टेंपल का एक और खास बात यह है कि यहाँ पे जो पुजारी है वो जैन नहीं है, वो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, फिर भी सारे रिचुअल्स जैनिज्म के हिसाब से ही करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रेरेस्ट टेंपल वेयर टू डिफरेंट कम्युनिटीज कम टुगेदर एंड मेंटेन हारमोनी। अगर आप चिकोड़ी के आसपास रहते हो, दिस टेम्पल इज अ मस्ट विजिट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।